नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल अमर गेमिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग जो भी पबजी खेलते हैं स्मूथली कैसे पबजी खेल सकते हैं, क्योंकि अगर स्मूथ नहीं चलेगा गेम तो आप कैसे अच्छे से खेल पाएंगे। और कोई रूट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट रूट ये ट्रिक काम करता है। और जिन लोगों का प्रोसेस जैसे कि मैं देखो 1+6 में खेलता हूँ और मेरा जो प्रोसेसर है वो 845 है, 8 GB रैम है, तो बेसिकली मेरे में तो आराम से चल जाएगा। लेकिन जो जिन लोगों का मिड रेंज मोबाइल होता है उनके मोबाइल में कैसे अच्छे से गेम चलेगा उसी के जो ट्रिक है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो ट्रिक बताने से पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये सब तो ठीक है, वो जो ट्रिक बताऊँगा वो सब तो ठीक है, मैं बताऊँगा कैसे स्मूथली चलाएँगे। लेकिन उससे और एक बात है जो है पिंग नेटवर्क। आपका अगर पिंग एक मतलब 150 के नीचे आ रहा है तो आप गेम प्ले आराम से स्मूथली खेल सकते हैं, अदरवाइज आप ठीक से खेल नहीं पाएंगे क्योंकि पिंग ही आपका ख़राब होगा। तो जितना भी चाहे आपका प्रोसेसर अच्छा हो, पिंग अगर ख़राब होगा, आपका नेटवर्क ख़राब होगा, तो आप कुछ ठीक से खेल नहीं पाएंगे और आपका मोबाइल जो होगा वो हीटिंग करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 48 मेरा आ रहा है MS अभी। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो आपका पिंग है वो 150 के नीचे रहना चाहिए। बेसिकली मेरा तो हमेशा 100 ही रहता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे इतना लो नीचे दिखा रहा है, 44 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो पिंग है वो थोड़ा नीचे रहे, या अच्छा सा नेटवर्क आप यूज़ करें जिसके लिए मतलब कि जिससे आपका पिंग लो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं गेम से एग्जिट कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे आप स्मूथली खेल सकते हैं मिड रेंज मोबाइल पे भी। ठीक है, आपको पहले जाना होगा, मैं क्लोज़ कर देता हूँ, पहले आपको यहाँ पे जाना होगा प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको लिखना है GFX टूल लिखना है, ये जो देखिए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ डाउनलोड करके। तो इसके लिए कोई रूट की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट रूट भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेटिंग है, मैं जो जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ आपको सेम टू सेम करना है, ये जो अपडेट है उसी में काम करेगा बिल्कुल। आपको यहाँ पे टिक करना, सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट बहुत देता है यार। हाँ, और जो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन होता है ना वो 960x540 उसको रहने दीजिए। और जो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आता है ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में आपको इसको स्मूथ में रखना होगा। ठीक है, एंटी अलियासिंग जो है उसको आप डिजेबल ही रहने दीजिए। जो स्टाइल है आप जो चाहते हैं वो आपको, मैं जैसे कि मुझे कलरफुल पसंद है तो मैं कलरफुल रखूँगा, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कलरफुल और क्लासिक इन दोनों में से कोई भी एक चूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो शेडोज़ है, शेडोज़ एनेबल और डिजेबल शेडोज़ यहाँ पे जो दिखा हुआ है, आप यहाँ को अगर यहाँ पे अगर इसको डिजेबल कर देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना लो ग्राफिक्स होगा, जितना मतलब कि इफ़ेक्ट कम होगा, उतना आपका गेम स्मूथली चलेगा। तो और GPU ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे जो है वो आपको एनेबल करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेव कंट्रोल्स होता है उसी को भी एनेबल कर देना है। और ये क्यों एनेबल करना है मैं बताता हूँ, जो भी आपका गेम में जो सेटिंग होगा वो कोई मतलब कि इधर उधर नहीं रहेगा, जो सेटिंग है वही सेम रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, और अरे यार, फिर आपको गेम को रन करना है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ गेम कैसे प्ले होता है मेरा। मेरा तो आराम से प्ले हो जाता है विदाउट GFX टूल, लेकिन मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जिनका जो मोबाइल उतना पावरफुल नहीं है उन लोगों के लिए बुला रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, कैसे स्मूथली हम भी प्ले कर मतलब खेल सकते हैं। आप लोगों ने तो मेरा वीडियो देखा ही है, मैं आपको अभी एक गेम प्ले इधर जाके दिखाता हूँ। बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई मतलब कि लैग वैग कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं गन उठा लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत आराम से विदाउट एनी लैग मैं आराम से मार सकता हूँ। देखो बढ़िया, आपको कुछ नहीं करना, इसको रूट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी फ्री है। और मेन जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बोलना मैं भूल गया वो है,
यहाँ पे कोई वैन वैन का चक्कर नहीं है, इसको यूज़ करने में कोई बैन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह से और टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा।